नकली नोट, नकली माल, इस तरह के कई मामलों से हमारे दिल दो चार होते रहते हैं, लेकिन अब नकली वैक्सीन और फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव भी होने लगा है। फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव और नकली वैक्सीन का इस तरह का पहला बड़ा मामला मुंबई में सामने आया था। भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर नकली कोरोना वैक्सीन, एक कोरोना वैक्सीन लगाने के मामले भी सामने आए थे। ऐसे मामलों पर नकेल कसने के लिए सरकार प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी जागरूक कर रही है। भारत में लगाए जा रहे कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के कोरोना टीके की पहचान कैसे की जाए, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो के स्टार्ट होने से पहले कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कोविशील्ड की पहचान आप इस प्रकार कर सकते हैं। पॉइंट नंबर वन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का लेबल। पॉइंट नंबर टू, SII लेबल का रंग गहरा हरा होगा। पॉइंट नंबर थ्री, गहरे हरे रंग की एल्यूमिनियम फ्लिप ऑफ सी होगी। पॉइंट नंबर फोर, ब्रांड का नाम कोविशील्ड ट्रेडमार्क के साथ लिखा होगा। पॉइंट नंबर फाइव, जेनेरिक नाम का फॉन्ट बोल्ड अक्षरों में नहीं होगा। पॉइंट नंबर सिक्स, CGS नॉट फॉर सेल का प्रिंट होगा। आइए अब जान लेते हैं कि कोवैक्सीन की पहचान कैसे करें। पॉइंट नंबर वन, लेबल पर न दिखने वाले अदृश्य यूवी होलिक्स होगा, जो कि सिर्फ यूवी लाइट्स में ही देख सकते हैं। पॉइंट नंबर दो, कोवैक्सीन का एक्स दो रंगों में होगा, इसे ग्रीन फॉयल इफेक्ट कहते हैं। आइए अब जान लेते हैं भारत में लगाए जा रहे स्पुतनिक वी टीके को कैसे पहचाने। स्पुतनिक वी को रूस के दो अलग अलग प्लांट से आयात किया जा रहा है, इसलिए इसके लेबल अलग अलग मिलेंगे। लेबल पर दी जानकारी और डिजाइन तो एक जैसा होगा, बस प्लांट का नाम अलग अलग होगा। जिस तरह से आज कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है, अगर ऐसे ही ये अभियान चलता रहा तो जल्द ही हम इस कोरोना रूपी महामारी को दुनिया के नक्शे से उखाड़ फेंकेंगे। वैक्सीन शरीर में कैसे एंटीबॉडी जनरेट करता है, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।